वक्त की छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर बड़ा ऐलान। सीएम भूपेश बघेल की बड़ी घोषणा, लिखित परीक्षा परिणाम के साथ जारी होगी कट ऑफ लिस्ट, वर्ग वार कट ऑफ सूची भी जारी की जाएगी। आयोग की परीक्षाओं में इंटरव्यू के अंकों को कम किया जाएगा। बिलासपुर में युवाओं के साथ संवाद में सीएम ने की घोषणा, ये बड़ी खबर है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर ये बड़ा ऐलान हुआ है। सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है, लिखित परीक्षा परिणाम के साथ कट ऑफ लिस्ट जारी होगी। और महत्वपूर्ण बात, आज दो घोषणाएं मैंने की, एक तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में जो आयोजित की जाने वाली बहुविकल्पी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के मांग पर आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के वर्गवार कटऑफ सूची लिखित परीक्षा परिणाम के साथ ही जारी की जाएगी। दूसरा, लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में इंटरव्यू के नंबर कम किए जाएंगे, जो इंटरव्यू नंबर दिए जाते हैं उनको कम किया जाएगा, ये महत्वपूर्ण। बड़ी खबर है रायपुर से, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर यह बड़ा ऐलान हुआ है। सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है कि लिखित परीक्षा परिणाम के साथ ही कट ऑफ लिस्ट भी जारी हो जाएगी, वर्गवार कट ऑफ सूची जारी की जाएगी। आयोग की परीक्षाओं में इंटरव्यू के अंकों को कम किया जाएगा, ये बड़ी खबर। और न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ इस पर जुड़ गई है। ममता, परीक्षा के साथ ही लिखित परीक्षा के साथ ही कट ऑफ जारी करने का ऐलान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं, इससे पारदर्शिता भी आएगी, इंटरव्यू के नंबर कम करने का जिक्र भी वो कर रहे हैं, इससे भी क्लैरिटी होगी। ममता, बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा निर्णय है और एक बड़ी राहत के तौर पे भी कहा जा सकता है, और जिस तरह से लगातार जो है वो आरोप प्रत्यारोप से पीएससी घिरी रहती है, तो जाहिर तौर पर इस पे एक पारदर्शिता भी बढ़ेगी कि सीधे सीधे तौर पे जो कट ऑफ नंबर्स हैं वो जो है वो सामने वो करते हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो कई बार ये भी कहा जाता है कि अभ्यर्थी जो है वो रिटर्न में बहुत कुछ लिखता है, बहुत नंबर पाता है, लेकिन उसके बाद में जो साक्षात्कार में नंबर ज्यादा होते हैं, तो साक्षात्कार में कई बार ये कहा जाता है कि वहाँ पे पार्शलिटी की जाती है, और इसी के चलते जिसके जिसकी थ्योरी के पेपर मतलब एक कह सकते हैं वो बहुत अच्छे बने हैं और उसको इंटरव्यू में जो है वो कम नंबर मिले दिए जाते हैं, पार्शलिटी का आरोप लगाया जाता है, कई बार ये चीज सामने भी आती है। तो जाहिर तौर पर अगर इंटरव्यू में कम नंबर रहेंगे और रिटर्न में जो है अधिक नंबर रहेंगे, तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू एक फॉर्मेलिटी के तौर पर होगा, तो जाहिर तौर पर एक बड़ी राहत के तौर पर भी देख सकते हैं, और एक पारदर्शिता अभी जो है इससे बढ़ेगी, और जो स्टूडेंट है उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, उन्हें भरोसा भी होगा। और दूसरी बात ये कहें कि ये जो आरोप प्रत्यारोप है उससे भी सरकार को बड़ी राहत मिलती है। बिल्कुल, इन पर भी लगाम लगाने में मदद मिलेगी। शुक्रिया ममता जानकारी के लिए, धन्यवाद। और बड़ी खबर कोंडा गांव से है, जहां बड़े राजपुर में कृषि केंद्र को सील किया गया, कृषि विभाग के अधिकारियों ने सील कर दिया। प्रणव कृषि केंद्र पर ताला लगाया गया है, गलत तरीके से कृषि संबंधी सामान बेचने का आरोप था और इसी आधार पर कार्रवाई की गई है, दस्तावेज सही नहीं मिलने पर एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है। ये तस्वीरें सामने आई हैं कोंडागांव से, कोंडागांव के बड़े राजपुर में कृषि केंद्र को सील कर दिया गया है, कृषि विभाग के अधिकारियों ने न केवल सील किया है, आपको बता दें प्रणव कृषि केंद्र पर ये एक्शन हुआ है। प्रणव कृषि केंद्र पर गलत तरीके से कृषि संबंधी सामान बेचने के पर ये कार्रवाई हुई। और खबर ग्वालियर से, जहां विधायक के फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला, गवाही देने नहीं पहुंचे बीजेपी विधायक जसपाल जज्जी, हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। जज्जी के वकील ने मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया था, सर्टिफिकेट में खुद को आईसीयू में भर्ती बताया था जसपाल जज्जी ने, और याचिकाकर्ता ने उसी डेट में जनसंपर्क के फोटो पेश किए, और जसपाल जज्जी को अनिवार्य रूप से 7 से 10 अगस्त के बीच पेश होना होगा। हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटीशन लगी हुई है, विधायक जसपाल जज्जी पर अलग अलग जातियों से चुनाव लड़ाने के खिलाफ याचिका लगी हुई है, तो जाति प्रमाण पत्र को लेकर परेशानी में है जसपाल जज्जी। ये आज एविडेंस के लिए फिक्स थी, 31 जुलाई से 3 अगस्त तक एविडेंस होना था जसपाल सिंह जी का,
तो यस्टरडे ने एक एप्लीकेशन मूव की थी कि साहब हम आईसीयू में भर्ती हैं 29/7/2023 से, जबकि 30/7/2023 को ये जनसंपर्क कार्यालय के समस्त कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं अशोकनगर में, जिसके मेरे द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। और जो जज जी हैं जसपाल सिंह जी, उनके अपने अभिभाषक के द्वारा दो एप्लीकेशन मूव की थी 41/96/2023 और 41/98/2023, जिसमें उन्हें प्रेयर की थी कि 15 दिन के लिए स्थगित कर दी जाए अपने मेडिकल इलनेस के आधार पर, और ये कहा था कि साहब दस्ती तामिल विशेष भाग से कराई जाए। तो दोनों ही एप्लीकेशन न्यायालय ने, माननीय न्यायालय ने अप्रसन्नता जाहिर करते हुए डिसमिस कर दिए, रिजेक्ट किए हैं, और कहा है कि आवश्यक रूप से 7 से 10 अगस्त तक की एविडेंस होनी है और आप बिल्कुल उपस्थित रहें और एविडेंस कराएं। जजपाल जजी की फिलहाल परेशानी बढ़ती हुई। दरअसल जजपाल जजी को रात नहीं मिली है, गवाही देने नहीं पहुंचे हैं बीजेपी विधायक जजपाल जजी। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। जजी के वकील ने दरअसल मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया था, मेडिकल सर्टिफिकेट के लिहाज से उन्हें आईसीयू में भर्ती बताया गया था, जबकि जो याचिकाकर्ता था उसी याचिकाकर्ता ने उसी डेट में जनसंपर्क के फोटो कोर्ट में पेश कर दिए, और यहीं पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है और सफलजे में आदेश दिया है कोर्ट ने कि जजपाल जजी को अनिवार्य रूप से 7 से 10 अगस्त के बीच में कोर्ट में पेश होना होगा। दरअसल इलेक्शन पिटीशन हाई कोर्ट में लगी हुई है। विधायक जसपाल जज्जी पर अलग अलग जातियों से चुनाव लड़ने के खिलाफ याचिका लगाई गई है। न्यूज 18 संवाददाता सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, कोर्ट में भी ये मामला, या हम कहें कि जजपाल के पोज में चला गया, बताया जा रहा है आईसीयू में बताया गया था, लेकिन जनसंपर्क की तस्वीरें सामने आ गई और अब पेश होने का आदेश भी हो गया। बिल्कुल, देखिए जजपाल सिंह जज्जी के खिलाफ जो चुनाव याचिका दायर की थी लड्डूराम कोरी ने, उस मामले में जजपाल सिंह के बयान होना थे और इसके लिए बकायदा जो निर्धारित की गई थी तारीख, उस तारीख को उनको आना था, लेकिन वो नहीं आए। और उस दौरान इनकी तरफ जो आवेदन पेश किया गया था वकील के जरिए, उसमें कहा था कि वो गंभीर रूप से बीमार है, आईसीयू में भर्ती है। लेकिन 30 जुलाई को ही ये एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें अशोकनगर जनसंपर्क कार्यालय से, जिसमें वो किसी कार्यक्रम में जसपाल सिंह जज्जी विधायक मौजूद थे, और इसी को लेकर आज कोर्ट ने नाराजगी जताई है उनको। और अब जो है अगली सुनवाई की तारीख नियत की है 7 से 10 अगस्त, इसमें उन्हें पेश होना ही है, यानी अब उनके लिए सख्त जो है लेजर रहा है कोर्ट का आज सुनवाई के दौरान। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया सुशील, पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। और इसके साथ ही बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। का निशाना तीनों को बताया जॉन जॉनी जनार्दन, बोले जिनकी नफरत है पहचान, कांग्रेस उनसे खुलवा रही है मोहब्बत की दुकान। पीएम मोदी ने मन की बात में किया एमपी का जिक्र, जल संरक्षण के लिए शहडोल के पकरिया गांव के लोगों की तारीफ, विचारपुर को बताया मिनी ब्राजील। उज्जैन में धमकीबाज ने वीडियो जारी कर मांगी माफी, बोला नहीं पहुंचाना चाहता था किसी को ठेस, पहले कहा था महाकाल की सवारी निकालकर दिखा दो। उज्जैन में श्रद्धालु के छत से गिरकर मौत, होटल का सीसीटीवी आया सामने, सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। आगरमालवा में गोवंश